नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो अडेप्ट करके आप लोग स्टॉक मार्केट से सीड शॉट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये मेरा पहले वाला जो स्ट्रैटेजी था उसके ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। ये आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग ये सुपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट ये आप लोग देख सकते हैं। ये लाइन ब्रेक स्ट्रैटेजी देखे ये आप लोग को जरूर पहले देखना है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना है। आप लोग को ये वीडियो मेरा ये जो www.stocktradingadvisor.wordpress.com इसी में भी मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो इसको मैंने पहले देखा था हूँ, इसका जो था इसका जो इधर जो इंडिकेटर दिया रहा था उसे वही सब ही है। इसमें फ्रैक्टल काउस बैंड एक इधर से दिया हूँ, ये देख लीजिए ये बैंड, ये वाला है ये बैंड, ठीक है। ये जो बैंड दिख रहा है आप लोग को जस्ट ये जब बैंड का ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हैं, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक करके नीचे आएगा तब आप सेल कर सकते हैं। अभी सोच लीजिए कि आप जब मार्केट खुला है तो देखेंगे कि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्रेक करके बहुत ऊपर चला गया है, तो आपको इधर इस स्थिति में आपको क्या करना है। तो एक तरीका है कि मैंने इधर पिवट पॉइंट भी लगाया है, ये पिवट पॉइंट को आप लोग को देखना है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सोच लीजिए मार्केट इधर सोच लीजिए इधर खुला है, इधर खुला है तो इधर 166 इधर खुला है, तो इधर देखिए आप लोग हायर हाई लोअर लो हायर हाई कर सकता है। जब भी इसका हाई प्राइस में जाएगा तो आप लोग बाई कर सकता है। अब तक बाई करता है जब ये इधर जो रेजिस्टेंस है इधर बाई कर इधर तक आप लोग टारगेट रख सकता है, उसके बाद इधर। और इसको और भी टारगेट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए आपको पीछे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सोच लीजिए मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए इधर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो देखिए इधर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है इधर, तो ठीक है। इसको क्रॉस करने के बाद ही फिर आप लोग बाई कर सकते हैं, और ऐसी इसी तरह से आप लोग को रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढ के काम करना है। बहुत प्रोसेस इजी है। इधर देखिए इधर भी एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, देखिए ये रेजिस्टेंस के बाद आके ये थम गया है, ये इसका अपवर्ड जर्नी खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जब सेल साइड में भी ऐसे ही होगा, जब ये बैंड का अंदर है आप आइदर ट्रेड मत कीजिए, नहीं तो पिछले वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढिए। सोच लीजिए इस जगह पे इस इधर से अंदर ये इसका अंदर है, ठीक है। तो आप इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस स्थिति में देखिए इधर एक सपोर्ट है, ठीक है। पीछे देखिए इधर एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट के नीचे आप सेल कर सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, उसका उससे ट्रेंड इंटेंसिटी और स्टोकास्टिक का मूवमेंट भी क्रॉसओवर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में आप लोग एकदम सीएसएफ प्रॉफिट निकल सकते हैं। देखिए ये बैंड जब भी आप लोग को ऊपर गया ब्रेक किया ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, बिल्कुल सिंपल है बट बहुत काम का है। ये सपोर्ट ब्रेक किया रेजिस्टेंस ब्रेक किया ये ऊपर चला गया। इधर देखिए जब रेजिस्टेंस के जब ये रेजिस्टेंस ऊपर है रेजिस्टेंस में आके पीस से जब वो नीचे आएगा तब आप लोग उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको उधर पहले पिछले वाला रेजिस्टेंस या सपोर्ट को देखना पड़ेगा। ये देखिए इधर ये